इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में सैकड़ों टीचर पढ़ाए होंगे, नर्सरी से लेके आज तक बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे। पहली शिक्षक आपकी माँ होती है जो वहां से उसे पढ़ाना चालू करते हैं। लेकिन सारे टीचर लोग, आप खुद से सोचिएगा, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको उनको बताना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर, हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के लैब के, माँ आप यक्कर थे, स्पिरिट पी जाते थे। अब बताओ, अब हम क्या करें उनको? अब भाई हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि भाई शिक्षक को हमें को आदर करना ही, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। केमिस्ट्री के लैब हेड थे, लैब टीचर, जाके पूरा स्पिरिट आता था, हम लोग के प्रैक्टिकल करने के लिए पी जाते थे अपने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी की व्यक्ति के सफलता में शिक्षक, माँ बाप तीनों का हाथ होता है। माँ बाप का भी आपका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ जो होती है, देखिए माँ और बाप में ना थोड़ा अंतर समझिएगा। लड़का ज़्यादा माँ के साथ थोड़ा सा लगाव महसूस करता है। माँ सोचती है बच्चे को आराम मिले और अभी का जिंदगी उसका अच्छा रहे, लेकिन बाप सोचता है कि अभी भले उसको तकलीफ हो लेकिन आगे उसका भविष्य सुधर जाए यहाँ पर। और शिक्षक जो है, शिक्षक का एक ही उद्देश्य रहता है कि अभी जितना तकलीफ उठा लीजिए लेकिन आगे जाके आप संवर जाएंगे। अभी आप कांच हैं इसलिए सब, अभी आप लोग कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं। जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप लोग को। डॉक्टर सर राधाकृष्णन जो थे, आपको ये लगता होगा कि एक शिक्षक थे। आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं कैसी आ सकती है। 1888 आज के दिन 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इनका बहुत स्ट्रांग बिलीव इस चीज में था कि प्रैक्टिस हमेशा इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है। और ये बात हकीकत भी है। आप पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने से तेज विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ देंगे।